इसी बीच हम रुक करेंगे बीजापुर का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर जुड़ चुके हैं। जी सतीश, बताइए कि क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहेंगी बीजापुर में। बिल्कुल सुरुचि, आज बीजापुर जिले के लिए काफी हलचल का दिन रहने वाला है। लगातार जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसी सिलसिले में एक और नया मुकाम हासिल करने जा रही है बीजेपी की। आज बीजेपी सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाह रही है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा सीधा सीधा यह हो सकता है, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बीते 4-5 दिनों से जिस प्रकार से जिला बीजापुर में जो कार्रवाई चल रहा है, जिस प्रकार का अब वायरल वीडियोस जो आ रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस पर कड़ा रुख जो है बीजेपी का दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ में अगर बात करें तो कल की एक घटना शर्मसार करती हुई नजर आ रही है, नैमेड थाना क्षेत्र की, जो बीजापुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और यहाँ पे जिस प्रकार की यह घटना घटित हुई है, एक महिला के साथ में रेप करने का एक आरोप लगा है, जिसमें आरोपी फिलहाल तो फरार है, लेकिन महिला का जो बयान सामने आया है पुलिस के सामने और पुलिस विभाग के तरफ से जिस प्रकार से सूचना प्राप्त हो रही है कि महिला के साथ में जिस व्यक्ति ने अनाचार करने का प्रयास किया है, वो अभी फिलहाल उसको पकड़ने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है, और देखने वाली यह बात भी है कि यह कब तक पकड़ में आता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जितना बेजोड़ तरीके से अपने आपको दिखाना चाह रही है कि हम तत्पर रहते हैं, हमेशा हर कदम आरोपी से आगे चलते हैं, उसके बावजूद जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है, इस प्रकार का कांड होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदार जो पुलिस प्रशासन है उसका पीछे हाथ खींचता हुआ दिखाई देता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के जो अधीक्षक है SP आंजनेय वाचने, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने तौर पर अभी फिलहाल तो जो जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, उस जानकारी के अनुसार महिला का मेडिकल करवाया गया है और महिला ने जिस व्यक्ति का नाम लिया है और जिस व्यक्ति की पहचान बताई है, फिलहाल उस व्यक्ति को पहचान के जरिए हम उस पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द उस महिला को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं एक और घटना जो है 3-4 दिन पूर्व में घटित हुई है, जो कि उसूर ब्लॉक आवापल्ली का बताया जा रहा है, जिसमें एक बालक आश्रम में एक कन्या का आप वहां पे उपस्थित होना मिलना, वो एक बड़ा संख्या जो है वो बता रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो संयुक्त आयुक्त है KC मसराम जी, उनका लगातार जिस प्रकार से आश्रम और छात्रावास का लगातार जो दौरा चल रहा है, उसी बीच में इस प्रकार का एक घटना निकल करके बाहर आता है। और घटने के बीच का बात यह बताऊं तो बालक आश्रम में एक लड़की का रहना और कुछ विवादग्रस्त वीडियो जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं, जिसमें एक लड़का जो है उस लड़की को पेट में लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ साथी उसके जो है वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं, और वो वीडियो अचानक वायरल होता है, और वायरल होने के बाद में पूरी प्रशासनिक अमला जो है हलचल मच जाती है, और इस हलचल को देखते हुए अब आनन फानन में अधिकारी भी उस और रुक करने लगे हैं। आज मैं बताऊं कि मसराम जी जो है संयुक्त आयुक्त, वो अभी वहां पे पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुंच करके आगे की कार्रवाई होगी, और हो सकता है कि जो हॉस्टल अधीक्षक है उनके ऊपर में भी कार्रवाई हो, और उसके अलावा जो वहां जो बालक रहा है उसके ऊपर में भी कार्रवाई हो, क्योंकि FIR दर्ज जो बात है निकल के आ रही है, FIR भी दर्ज किया जा चुका है, ऐसा सूचना मिल रहा है। हालांकि जो लड़की जिस लड़की के ऊपर में ये सारा हथियार जो हुआ है उसको लेकर के लड़की ने बयान दिया है कि वो लोकल आवापल्ली क्षेत्र की रहने वाली है, और वो अपना मार्कशीट लेने के लिए वो हॉस्टल गई हुई थी, उस लड़के के पास गई थी, और बातों बातों में ये सारा चीज हुआ है। और इसके अलावा अभी फिलहाल तो जो जानकारी हमको स्पष्ट रूप में मिल पा रही है उतना हम कह पा रहे हैं, बाकी तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन किस प्रकार से इस जांच करती है और किस प्रकार का सामने आता है ये देखने वाली बात है। वहीं अगर बात करें तो आज 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमुख रूप से होना है, जिसमें आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने मतदाताओं में अपडेशन के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाना है, जिसमें नए मतदाता जो कि 18 वर्ष इस वर्ष कंप्लीट कर चुके होंगे उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के थ्रू जितने और नए लोग जो जुड़ते आ रहे हैं उनको आगे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनका वोटर आईडी लिस्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे अपडेशन किया जा रहा है, ताकि इस वर्ष जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो कि वोट से अपने अधिकार से वंचित हो पाए। जी श्रुति जी,
जिस तरह से हम बात करें नक्सलियों के बारे में, तो नक्सलियों की क्या खबरें हैं अभी बीजापुर में? जी जी सतीश, सुन नहीं पाए जी, तमाम